हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों अभी मैं हूँ अपने मायके कर्णप्रयाग में, और मैं यहाँ अपने मतलब मायके में अब उनकी मतलब मायके वालों की छत से ये वीडियो बना रही हूँ। और कर्णप्रयाग यानी जहाँ कर्ण जी ने, महाभारत के कर्ण जी ने उमा देवी जी के चरणों में रह के यहाँ तपस्या की थी और सूर्य भगवान की तपस्या की थी, तो ये वही कर्णप्रयाग है। और यहाँ ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कर्ण कुंड है, और सामने जो दिख रहा है वो मंदिर है। मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ की वीडियो दिखाऊंगी, और आप लोग देख के बताना कि आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों ये कर्णप्रयाग उत्तराखंड चमोली जिले में है, और ये है बद्रीनाथ हाईवे पे, चमोली से थोड़ा नज़दीक, और बद्रीनाथ इसी यहीं से जाया जाता है। यहाँ जो ऊपर का ये ऊपर का साइड है ये बद्रीनाथ हाईवे है, इधर ये जो ऊपर है ये आप गाड़ियाँ भी देख रहे होंगे, तो यहाँ ये बद्रीनाथ हाईवे है ये और यहीं पे मेरे भाई का मकान है ये। तो ये जो ऊपर आप गाड़ियाँ भी देख रहे होंगे ये है, कार देख रहे होंगे, तो यहाँ पे उनकी छत पे मैं खड़ी हूँ, और ये बद्रीनाथ हाईवे है, तो मैं यहीं से ये वीडियो बना रही हूँ आज की, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख के जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। तो मैं आप लोगों को चलो दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा और कैसा यहाँ दिखता है, चलो चलते हैं। दोस्तों आज मैं आपको पांच प्रयागों में से तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे कर्ण मंदिर है, और ठीक उनके नीचे वहीं पे कर्ण कुंड है। जो दोस्तों ये जो नगरी है इस साइड, इसको देवतुली बोला जाता है, और इनके ये ठीक सामने आप डिग्री कॉलेज देख रहे हैं जो पीले कलर में हो रखा है। तो ये जो ऊपर से मैं दिखा रही हूँ जो सड़क आ रही है वो हमारे हरिद्वार ऋषिकेश से आ रही है, और जो ये ऊपर की सड़क है ये आपके रामनगर रानीखेत की साइड से आती है। आपने नैनीताल का नैनीताल वाली सड़क भी ये ऊपर से यहाँ कर्णप्रयाग में मिलती है। यहाँ से दोस्तों ये यहाँ पे दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और पिंडर के संगम पे ये कर्णप्रयाग नगरी बसी हुई है, और ये कर्ण जी के महाभारत के कर्ण जी के नाम से यहाँ का नाम कर्णप्रयाग रखा गया है। दोस्तों जो ये नदी इधर से आ रही है ये बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आ रही है, और जो ये दूसरी साइड से आती है ये पिंडर नदी है जो कि नैनीताल की साइड से आ रही है, और यहाँ पे ये दोनों नदियों का संगम होता है। दोस्तों कर्णप्रयाग उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ से ये नागनाथ पोखरी की रोड जारी है, यहाँ से नागनाथ पोखरी जाया जाता है। जो ये मैं जहाँ पे ये गाड़ी दिखाई दे रही है, और जो मैं आप लोग रेस्टोरेंट, कॉलेज और बैंक, हॉस्पिटल, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और दोस्तों मेरी तबीयत हो रखी थी ख़राब, इसलिए मैंने घर के सामने से ही एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाई। मुझे बुखार आ रहा था, और ये शाम का समय है तो इस समय सूर्यदेव भी छुप रहे हैं, तो मैंने सोचा रात होने वाली है मैं थोड़ी सी एक वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो मेरा क्या फ़ायदा यहाँ आके, थोड़ा सा यहाँ आके मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। और ये जो रोड आ रही है आप गाड़ी देख रहे होंगे ये बद्रीनाथ के और बद्रीनाथ और केदारनाथ से भी यहाँ से आया जाता, गोपेश्वर से, सभी जगह से यहाँ आया जाता, जोशीमठ से भी।
तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे करण प्रयाग में यदि आप लोग आना चाहें तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको होटल, रेस्टोरेंट और हर चीज़ की सुविधा आसानी से मिल जाएगी और अच्छे दामों पे। दोस्तों यहाँ पे जो मैं ये खड़ी हूँ, ये है बद्रीनाथ हाईवे। यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ और जोशीमठ और गोपेश्वर मंडल, यहाँ से ये जो जा रहे हैं ये रोड जाती है और यही मेन हाईवे है। और इधर से ये जो आ रहा है तो ये हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश और यहाँ से नैनीताल से भी आते हैं। वो जो उधर आप वो मार्केट देख रहे हैं, वो वहाँ से नैनीताल से भी आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दोनों साइड दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये बाबा जी ने अपना बना रखा, आश्रम बना रखा। और यहाँ आके मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड और अपने व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं यहाँ पे आ गई ऊपर, तो इतना मैं कर सकती हूँ, तो मैंने ये बना लिया है। दोस्तों अभी हो रही है शाम, आप लोग भी देख रहे होंगे सूर्य जी छुप रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पूरा यहाँ से दिखा रही हूँ। और मैं दूसरी साइड का भी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है, यहाँ आने के लिए और देखने का मन करता है। बहुत ही सुंदर स्थान है और आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस भी लोग काफ़ी जोरों शोरों से करते हैं और पौराणिक समय में करण प्रयाग एक व्यवसायिक बहुत जोर शोर से यहाँ पे व्यवसाय होता था और देश विदेश से यहाँ लोग आते थे और यहाँ देश विदेश के लोग भी बस चुके हैं। ये है करण प्रयाग का दूसरी साइड का। और अभी मैं देहरादून के लिए निकल गई थी, सुबह का समय है ये, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो ये बना दी और अच्छे से नहीं बनी गाड़ी में से। आप लोगों को पता है कि अच्छे से नहीं बनती है। तो ये करण प्रयाग का दूसरा साइड है। यहाँ पे ये पुल देख रहे हैं आप, ये दूसरी साइड मंदिर की, मतलब दूसरे मार्केट के लिए जाया जाता है। और ये जो मैं आ रही हूँ हरिद्वार की साइड को, मतलब ऋषिकेश हरिद्वार श्रीनगर की साइड को मैं आ रही हूँ। यहाँ पे ये मैं आप पुल क्रॉस करूँगी। अभी मैं गाड़ी में से वीडियो बना रही हूँ, वो मैंने शाम को बनाई थी जिस दिन मैं आई थी। ये अगले दिन जब मैं देहरादून के लिए निकल रही थी तब की ये वीडियो है और मैंने ये दोनों वीडियो एक साथ आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ये ऋषिकेश की साइड, यहाँ से ऋषिकेश के लिए आया जाता है और यहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ का ये हाईवे है, यहाँ से जाया जाता है दूसरी साइड के लिए। जब मैं वॉइस ओवर करनी हूँ तब मैं देहरादून से कर रही हूँ ये। और यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे होंगे, उसमें लिखा है हरिद्वार कितने किलोमीटर है, देहरादून, ऋषिकेश, वो सब वहाँ पे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। बाय।